कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शांतिनाथ पद पंकज चंचरी का स्थित है और उसके पिछले दो दिनों से गर्भ कल्याणक भी माता के सपनों को देख करके मनाए गए। उसी गर्भ कल्याणक की महिमा में जब तक जन्म का कल्याणक नहीं हो जाता तब तक निरंतर देवों के माध्यम से उस हस्तिनापुर नगरी में राजा विश्वसेन के यहाँ, माता ऐरा देवी के यहाँ देवों के द्वारा रत्न वृष्टि निरंतर की जाती है और वह रत्न वृष्टि सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि के मध्य भाग में बहुत अधिक संख्या में रत्नों की, सुवर्णों की, पुष्पों की वृष्टि इस तरह से होती है कि उसी के कारण से पूरे नगर में मंगल वातावरण आ जाता है और नगर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति धन धान्य संपदा से, वैभव से संपन्न हो जाता है। वह जो रत्न वृष्टि होती है उस रत्न वृष्टि की विशेषता यहाँ पर काव्य नंबर 16 के माध्यम से पढ़ते हैं। मासांच पंच दश रत्न समूह वृष्ट्या, सुतस्य गर्भे गीर्वाण देव रमणि कर सेविता सा, गीर्वाण देव रमणि कर सेविता सा, पंद्रह मास निरंतर निरंतर रत्नों की वृष्टि होती है और माता की सेवा षट कुलाचल देवियों के माध्यम से भी होती है
और प्रमुख प्रमुख इंद्रों की इंद्राणियां मिलकर के जब आती हैं तो 56 कुमार देवियां बन जाती हैं, उन देवियों के माध्यम से भी होती है। वह निरंतर 15 महीने तक होने वाली वर्षा 3.5 करोड़ रत्न प्रति समय बरसते हैं, प्रतिदिन एक टाइम बरसते हैं। कितने अभी कितने बरस रहे आप अंदाजा लगाएं कि 4 टाइम की वर्षा 3.5 करोड़ कितना हो गया, 14 करोड़ रत्न प्रतिदिन बरसते हैं। और वह 14 करोड़ रत्नों को कोई रख करके कहां ले जाएगा, तो वह घर में ढेर लगा रहता है और सभी नगर के लोग आकर के उन रत्नों को ग्रहण करते हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं, विचार करते हैं कि ये रत्न नकली होते हैं, कि कहीं प्लास्टिक के होते हैं, कि कहीं वैसे ही चमकदार थर्माकोल के बनाए हुए होते हैं। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि ये रत्न असली होते हैं, देवों के द्वारा लाए गए ये रत्न सुवर्ण सब कुछ असली होते हैं। और इसका प्रमाण यह है कि भगवान महावीर स्वामी के समय पर जो रत्नों की वर्षा हुई थी, वे रत्न कहीं कहीं अभी भी वहां के लोगों के लिए अभी भी उपलब्ध होते हैं, इस तरह की जानकारी भी मिलती है। इसलिए यह मत समझना कि यह केवल काल्पनिक बात है, लोगों के लिए वह रत्नों की वर्षा के माध्यम से रत्नों की उपलब्धि हो जाती है और वह रत्न उनके पास में तब तक रहते हैं जब तक कि उनके सामने वह पुण्यवान जीव रहता है। यह हमेशा ध्यान रखना, कोई भी धन हो, वैभव हो, किसी भी तरह की आपके पास में संपदा हो, वो तभी तक काम आती है जब तक उस संपदा का निमित्त कारक कोई ना कोई जीव होता है, और जिस निमित्त से वह संपदा आपको प्राप्त हुई है वो निमित्त जब तक आपके सामने रहेगा वो संपदा आपके लिए उपभोग को प्राप्त होगी, वो निमित्त चला जाएगा तो संपदा भी चली जाती है। स्वयं चक्रवर्ती का पुत्र भी उस संपदा को भोग नहीं पाता है, लेकिन जब तक चक्रवर्ती सामने है तब तक वह उस संपदा को भोग पाता है। चक्रवर्ती चला गया, निधियां चली गई, रत्न चले गए, तो वह चक्रवर्ती के पुत्र के लिए भी बाद में कुछ नहीं होता है, कुछ उपलब्ध नहीं रहता। इसी तरह से जब तक तीर्थंकर का समागम है, जब तक वह बालक के गर्भ जन्म आदि कल्याणक चल रहे हैं, तब तक ये रत्न सबको मिलेंगे और उतनी देर तक जो उपभोग कर लेंगे उनके उपभोग के काम आएंगे। बाद में जिनके पास में जैसा पुण्य होगा उतने ही रत्न उनके पास में रहेंगे, और अगर पुण्य की कमी होगी तो वह रत्न अपने आप कहीं ना कहीं जमीन में गड़ जाएंगे, दब जाएंगे, मिट जाएंगे, कहीं ना कहीं अपने आप लुट जाएंगे, और किसी ना किसी के द्वारा वह या तो चुरा लिए जाएंगे या विस्मृत हो जाएंगे किसी के लिए। और कभी कभी आप देखते हो कि कई तरह के खजाने जमीनों के अंदर गड़े हुए रखे भी रहते हैं, लेकिन उनको निकालने की क्षमता नहीं रहती है लोगों के पास में, तो वो जमीन के अंदर गड़े ही रहते हैं। कई लोग कहते हैं पनागर में भी कुछ ऐसी जगह बनी है जहां पर गड़े रखे हुए हैं। अब गड़े क्यों नहीं होंगे, अगर शांतिनाथ भगवान का यहाँ पर अवतरण हुआ है और शांतिनाथ भगवान की कथा यहाँ चल रही है और स्वयं शांतिनाथ भगवान यहाँ पर मूल नायक के रूप में चलते चलते यहाँ आकर के रुके हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की संपदा होगी। तो और इस तरह की संपदा थी तभी इस पनागर का नाम जैसा सुनने में आता है, शुरू में बताया गया था पन्नागार, पन्नों का, हीरों का, मोतियों का यह एक स्थान हुआ करता था, इसलिए इसका नाम पनागर हुआ करता है। समझ में आ रहा है? आप लोग आज भी कुछ ऐसे स्थान बने हुए हैं बजरिया मंदिर के आसपास, कुछ ऐसे जगह बनी हुई हैं जहां पर धन गढ़ा हुआ है, लोग निकालते हैं, काम में लेते हैं और वापस रख देते हैं, क्योंकि वह देवों के द्वारा अधिष्ठित रहता है।
उसका उपभोग नहीं कर सकते। ऐसी धन संपदा आज भी है, इसलिए ये बातें आपकी जानकारी में हो या ना हो, हमारी जानकारी में तो सब कुछ दिख रहा है। आप वहां लेने मत पहुंच जाना, नहीं तो पता पड़े कोई भी फुसकार मार करके कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह की संपदाएं रहा करती हैं, और ऐसी संपदाओं को हम देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, लेकिन इनका उपभोग नहीं कर सकते। इस तरह से हमें ये सोचना चाहिए कि आज हमारे पुण्य की कमी होने के कारण से हमारे पास में वो बहुमूल्य रत्न नहीं है जिन रत्नों की बरसात देवों के द्वारा, कुबेर के द्वारा की जाती है। और ऐसी बरसात आप सोचें, जो बालक जब गर्भ में नहीं आया था उससे 6 महीने पहले से वो बरसात होती है, और जब तक वह बालक गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होता है तो वह 9 महीने तक बरसात चलती है। और एक आनंददायक बात बता दें आपको, कहीं कहीं मुझे ऐसा भी पढ़ने को आता है कि भगवान शांतिनाथ का जन्म 9 महीने के बाद नहीं, 9.25 महीने के बाद हुआ है। समझ आ रहा है? और 15 दिन आपके लिए, 8 दिन आपके लिए, और रत्नों की वर्षा अधिक मिलेगी। तो कभी कभी भगवान का जन्म भी लेट होना अपने लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब तक भगवान का जन्म नहीं होगा तब तक वह रत्नों की वर्षा निरंतर होती रहेगी। और ऐसे 15 महीने तक निरंतर रत्नों की, सुवर्णों की, पुष्पों की, कल्प वृक्षों के द्वारा प्राप्त अनेक तरह के सुगंधित फूलों की वह वर्षाएं, गंधों तक वृष्टियां आदि, ये सभी वहां पर उस आंगन में, उस नगर में और उस राजमहल के आसपास होती रहती हैं। और इस तरह की वर्षा एक तरफ हो रही है, दूसरी तरफ माता की सेवा में 56 कुमारियां हमेशा लगी रहती हैं। आप जानते हैं 56 कुमारियां कौन होती हैं? 56 रानियां, 56 देवियां, 56 इंद्राणियां, सब मिलकर के 56 संख्या बनती है। एक सेकंड के लिए आप उस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, और उन 10 प्रकार के भवनवासी देवों में हर एक इंद्र, 2-2 प्रकार के इंद्र होते हैं, तो हर 2-2 प्रकार के इंद्र की एक एक इंद्राणी होगी, तो 2-2 इंद्राणी हो जाती है। कितनी हो गई? 20 इंद्राणी हो गई। सुन रहे हो? इंद्राणियां कितनी हो गई? 20 हो गई। अभी थोड़ा साइड से हो जाओ, बाद में कर ले। 20 इंद्राणी भवनवासी देवों की। व्यंतर देवों के 8 प्रकार के देव होते हैं, उनमें भी 2-2 इंद्र होते हैं और उनकी भी 2-2 इंद्राणियां होती हैं, तो 16 प्रकार की व्यंतर देवों की इंद्राणियां हो गई। कितनी? 20 और 16, 36। ज्योतिषी देव 2 प्रकार के मुख्य रूप से माने जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा। उनकी 2 इंद्राणी, सूर्य की भी इंद्राणी आती है, चंद्र की भी इंद्राणी आती है। कितनी हो गई? 38। वैमानिक देव 12 प्रकार के होते हैं, हर एक इंद्र की एक एक इंद्राणी आती है, तो 12 इंद्राणियां वो हो गई। 38 और 12, 50 हो गई। और 6 कुलाचल पर्वत होते हैं, उन एक एक कुलाचल पर्वत पर एक एक श्री देवी, री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी, ये 6 देवियां रहा करती हैं। 6 देवियां ये मिलकर के, सब मिलाकर के कितनी हो जाती हैं? 56 कुमारी देवियां होती हैं जो माता की सेवा में लगी रहती हैं। और ऐसी 56 देवियों के माध्यम से आपने कल देखा, माता की सेवा तरह तरह से होती है। कोई माता को सीसा दिखाती है, कोई माता के लिए कंघी करती है। कंघी तो होगी कि नहीं? माता के बाल होते हैं कि नहीं होते? कोई माता को नहलाती है, कोई माता के लिए हवा करती है, कोई उनके लिए उबटन लगाती है, कोई उनको सुगंधित पदार्थ सुंघाती है, कोई उनके लिए धीरे धीरे सहला सहला करके कोई उनके चरण दबाती है, कोई उनके हाथों पर हल्के हल्के से पॉइंट दबाती रहती है, और कोई कोई तो
उनका मनोरंजन करने के लिए उनसे अच्छी अच्छी बातें उन्हें सुनाया करती है, तीर्थंकरों की बातें सुनाया करती है, और उनके भी ज्ञान को देखने के लिए कुछ प्रश्न भी कर लिया करती है, जैसे कल प्रश्न हुए थे और माता ने कितने सुंदर सुंदर उत्तर दिए थे, ये सभी को ध्यान में होगा। माता के लिए तरह तरह की सेवा वह करती रहती है, और माता का गर्भ महीनों के हिसाब से तो बढ़ता है, लेकिन पेट के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। ये उस बालक की विशेषता होती है, जिस बालक के लिए जिस गर्भ में अवतीर्ण होना था, इंद्र ने 6 महीने पहले कुबेर को भी आज्ञा दी थी, और ये 60 कुलाचल देवियां हैं श्री हरि, इन देवियों को भी आज्ञा दी थी, और उन देवियों ने आकर के माता के गर्भ का शोधन किया था, यानी कि माता के गर्भ में कहीं कोई असुचि पदार्थ नहीं रह सकता है, कहीं कोई दुर्गंध नहीं रह सकती है, क्योंकि जो जीव आने वाला है वो बिल्कुल अच्छे वातावरण में रहेगा, एयर कंडीशन जगह पर रहेगा, भले ही वो गर्भ में रहेगा लेकिन वहां पर भी हर फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल रहेगी, क्योंकि वह तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके आ रहा है, और ऐसा जीव 6 महीने पहले से ही इंद्र के आसन को हिला देता है और इंद्र से अपने आप सूचना मिल जाती है, तो इंद्र इस तरह से माँ के लिए आज्ञा देता है, रानियों के लिए आज्ञा देता है, देवियों के लिए आज्ञा देता है कि माँ के लिए जाकर के इस तरह की सेवा करना। आप जानते हैं जैसे तीर्थंकर बालक के लिए शरीर में अनेक प्रकार के अतिशय होते हैं, ऐसे ही तीर्थंकर के माता पिताओं के लिए भी कुछ अतिशय होते हैं, उनके शरीर में भी कुछ विशेषताएं हुआ करती हैं, और उनके शरीर की भी ये विशेषता होती है कि तीर्थंकर के माता पिताओं के लिए भी भोजन तो होता है, आहार तो होता है, लेकिन निहार नहीं होता है। निहार समझते हो? कुछ आना तो बोलते नहीं तुम लोग, समझते हो तो फिर हाँ बोलो, नहीं समझते फिर उसको भी कुछ बताया जाए। आहार तो होता है लेकिन उनका निहार नहीं होता, ये उनके भी शरीर की विशेषता होती है, तीर्थंकरों के शरीर की भी विशेषता होती है, और इसी तरह से जो चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, उनके भी शरीर की यही विशेषता होती है कि आहारो अथि निहारो नथि। प्राकृत भाषा को भी ध्यान में रखो। कौन सी भाषा को? हाँ, अनादि काल से इस तरह की भाषाओं का ही प्रयोग आर्य पुरुष करते आ रहे हैं, और उस समय पर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हुए आचार्यों ने लिखा आहारो अथि निहारो नथि। अथि माने है और नथि माने नहीं है। अगर इतना ही सीख लोगे तो प्राकृतज्ञ बन जाओगे। अथि और नथि, आहार उनके लिए होता है लेकिन उनके शरीर में कोई मल मूत्र की बाधा नहीं होती, ऐसा माँ का शरीर विशेषता को लिए हुए होता है, और इस तरह की विशेषता के साथ में वह गर्भ के शोधन की प्रक्रिया भी देवियों के माध्यम से होती है, और वह गर्भ शोधन होने के बाद में उस जीव का अवतरण उस गर्भ में होता है, और वह गर्भ में अवतरण होने के बाद में जीव गर्भ में वृद्धि को प्राप्त होता है, लेकिन माँ के लिए कभी भी भारीपन नहीं लगता, न माँ को कभी उल्टी होती है, न कभी सिर दर्द होता है, न कभी चलने में भारीपन लगता है, न कभी शरीर में पीलापन आता है, ना कभी चेहरे पर मिलानता आती है, माँ की सुंदरता जैसी थी वैसी ही बनी रहती है। यह उस बालक के प्रभाव के कारण से माता के शरीर में भी अपने आप ये अतिशय सा घटित होता है। जैसे किसी स्फटिक मणि के कांच के अंदर कोई पदार्थ रख दिया जाए, ठीक इसी तरह से माँ के गर्भ में वह बालक बिल्कुल स्फटिक मणि के अंदर रखे हुए किसी पदार्थ की छाया की तरह वह वृद्धि को प्राप्त होता है, और माँ को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता
कि 8 महीने हो गए, 9 महीने होने वाले हैं, अब बहुत भारीपन लग रहा हो, ऐसा माँ को कोई आभास भी नहीं होता। और वह माँ का पेट, माँ का उदर बिल्कुल हल्का बना रहता है, माँ के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत वह देवियाँ नहीं होने देती हैं, क्योंकि उन सब देवियों को आज्ञा किसकी मिली है? इंद्र देवता की मिली है। ना तो पुत्र के लिए कोई भी बाधा होगी, ना माँ के लिए कोई बाधा होगी। और ये तीर्थंकर बालक ऐसे गर्भ में जन्म लेता है जिसमें केवल और केवल एक बार ही गर्भ में जीव आता है, और उसके बाद ना उसके पहले फिर उस गर्भ में कोई भी जीव का अवतरण हो नहीं सकता। ऐसे गर्भ में आकर के वह जीव जन्म लेता है, यानी उस माँ के लिए फिर कोई दूसरी संतान ना भविष्य में होगी, ना उससे पहले कोई हुई होगी। ऐसे अकेली संतान के रूप में वह ठाट बाट के साथ में, पूर्ण वैभव के साथ में वह बालक उस गर्भ में आता है। सुन लो, अच्छे ढंग से समझ लो, बड़े लोग वो जगह पे नहीं बैठते हैं जहां पर कोई पहले बैठ चुका हो, कोई आ चुका हो और फिर बाद में आने की संभावना हो। बड़े लोग हमेशा अलग, उनकी स्पेशल सीट रहती है, हर काम उनका स्पेशल रहता है। और बड़े लोगों के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं केवल उन्हीं के लिए मिलती हैं, कोई दूसरा उनकी नकल भी करना चाहे तो कभी भी कर नहीं सकता। ऐसे तीर्थंकरों के वैभव को देख करके दुनिया के सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि पुत्र हो तो ऐसा, पुत्र की बात भी सोचते हैं तो इधर माता पिता के लिए भी सोचते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है, माता पिता के लिए सोचते हुए भी जितनी प्रशंसा माता की होती है उतनी प्रशंसा शायद पिताजी की नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। क्यों ऐसा होता है? ये स्त्रियां हमेशा कहा करती हैं, हमारे साथ पार्शलिटी होती है। क्या कहती है? अब यहां क्यों नहीं कहती कि जितनी प्रशंसा माँ की होती है उतनी प्रशंसा कभी पिता की नहीं होती। और आपने ये भी देखा होगा कि माँ के लिए अलग तरह के स्तोत्रों में भी नाम लिया जाता है, और जो विधान पूजाएं आदि होती हैं उनमें भी तीर्थंकर जननी बनने के लिए अलग से भावनाएं भी की जाती हैं, और तीर्थंकर की माता के लिए अलग से आचार्यों ने स्तुति करते हुए भी ये कहा है कि सौ सौ माता सौ सौ सुत को जनती रहती सौ सौ ठोर। लेकिन तीर्थंकर से जन्म देने वाली माता तो केवल एक ही होती है। ये माता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है, और ये स्त्री जाति का बहुत बड़ा सम्मान है। जो आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थंकरों के माध्यम से स्त्री जाति को जितना सम्मान है उतना पुरुष के लिए भी नहीं है। बताओ क्यों? अब बोलो क्यों? बता दूं? इसलिए क्योंकि वह पिता किसी दूसरी रानी को भी रख सकता है, और उसके साथ में किसी दूसरे पुत्र की भी उत्पत्ति हो सकती है, लेकिन मां के गर्भ में एक तीर्थंकर बालक के अलावा कोई दूसरा बालक नहीं आता है। इसलिए बड़े बड़े आचार्य भी उस मां की प्रशंसा करते हैं। हर चीज विद रीजन होती है, लॉजिकल लॉजिक के साथ होती है जैन दर्शन के अंदर। और यही जो परंपरा है, यह जो एक संस्कृति है, इसी संस्कृति के कारण स्त्री का सम्मान होता है। क्योंकि स्त्री का गर्भ जिस पुरुष के माध्यम से एक बार धारण किया जाता है, स्त्री फिर किसी दूसरे पुरुष के माध्यम से गर्भ कभी धारण नहीं करती। ये स्त्री का सम्मान जो अनादिकाल से बना आ रहा है, ये अगर आज भी बना रहेगा तो स्त्री आज भी सम्मान की उतनी पात्र है जितनी अनादिकाल से पहले हुआ करती थी। ये याद रखो, ये पार्शलिटी नहीं है, ये क्या है? ये सभ्यता है। यह
शरीर का एक विज्ञान है, क्योंकि गर्भधारण की क्षमता मां के अंदर होती है, पिता के अंदर नहीं होती। गर्भ रहकर के जहां बालक वृद्धि को प्राप्त होता है, वह कोख मां के पास होती है, पिता के पास नहीं होती। इसलिए सपने 16 मां को आते हैं, पिता को नहीं आते हैं। और इन्हीं 16 सपनों के कारण से वह माता धन्य मानी जाती है, और बड़े बड़े देवों के द्वारा भी उस माता की सेवा जितनी की जाती है, उतनी पिता की सेवा नहीं की जाती। ध्यान रखो, स्वप्नों का फल भले ही राजा बताने वाला हो, लेकिन स्वप्न जिसको आते हैं उसको जो आनंद आएगा वो आनंद उसका ही होगा, और वो आनंद जो माता को मिलेगा वो आनंद भी पिता को नहीं मिल पाएगा। इसलिए ध्यान रखो, स्त्रियों की अपनी एक अलग गरिमा है, एक अलग सम्मान है, और उनकी अपनी एक मर्यादाएं हैं, और उसी के माध्यम से जो ये संस्कृति चली आ रही है, उस संस्कृति में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। ये संस्कृति इसीलिए कहती है, जननी को जितना महत्व दिया जाता है उतना जनक को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि जनक दूसरा पुत्र किसी दूसरी स्त्री के साथ उत्पन्न कर सकता है, लेकिन जननी कभी दूसरे पति के साथ में कभी पुत्र को उत्पन्न नहीं करती। ये संस्कृति अगर आज भी बनाए रखोगे तो तीर्थंकरों की संस्कृति जीवंत रहेगी, यह मैं आपसी गारंटी के साथ कहता हूं। ये जो तीर्थंकरों की संस्कृति है, ये इसी से आपको जानने में आएगी। इन गर्भ कल्याणक के दिनों में, जन्म कल्याणक के दिनों में आपको ये सब शिक्षाएं मिलनी चाहिए, और इस शिक्षा के माध्यम से आपको एक ज्ञान में आना चाहिए कि स्त्री के माध्यम से ही संस्कृति आगे बढ़ती है। लोग कहते हैं कि स्त्रियों के लिए ही क्यों कहा जाता है, पुरुषों के लिए क्यों नहीं कहा जाता, उनके लिए तो दूसरी शादी नहीं होती, उनके लिए क्यों हो जाती है। तो ये आप उसकी महिमा को समझो। स्त्रियां गर्भ धारण कर सकती हैं, पुरुष गर्भ धारण नहीं कर सकता। बीज जिस भूमि में रहता है वह भूमि अलग अलग हो सकती है, लेकिन वह भूमि में जिसमें बीज एक बार जो पड़ गया उसी स्थान पर कोई दूसरा बीज कभी नहीं पड़ता। ये संस्कृति और यही न्याय है, और इस तरह की न्याय की भाषा को समझ लोगे आप तो आपके लिए ये उत्तर मिल जाएगा कि जिस तरह से एक बार भूमि में जिस स्थान पर बीज पड़ जाता है वहां पर कोई दूसरा बीज पनप नहीं सकता, उसी तरह से जिस स्त्री के गर्भ में जिस पति के माध्यम से गर्भ ठहर जाता है, फिर उसके लिए किसी दूसरे पुरुष के माध्यम से गर्भ नहीं ठहर सकता। यह संस्कृति पार्शलिटी की संस्कृति नहीं है, यह सभ्यता की संस्कृति है, तीर्थंकरों की संस्कृति है, और इसी का नाम भारतीय संस्कृति है। स्त्रियां इस बात को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करें और पार्शलिटी ना कहें। एक राजा के कई रानियां हो सकती हैं तो एक रानी के कई राजा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रहा है? बोलो तो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हीं से बुलवाना है, तुम्हारा ही हाथ खड़े करवाना है, आज तुम्हीं को अपनी लाइन में लेना है। भगवान का गर्भ देख रही हो, भगवान का जन्म संस्कार देख रही हो, हर एक स्त्री के अंदर यह भाव आना चाहिए कि अगर हमारे गर्भ में कोई जीव आता है तो उस गर्भ का कभी भी मेरे परिवार के द्वारा न मेरे द्वारा कभी भी घात न हो। ये आज गर्भ कल्याणक के दिन आप लोगों को एक अच्छा संकल्प लेना चाहिए, तब मैं समझूंगा कि शांतिनाथ भगवान का ये गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक की ओर जा रहा है। स्त्रियों से भी कहूंगा और उनके परिवारी जन जो पिता हैं, पति हैं आदि, ससुर हैं, सासू हैं, ऐसे भी लोगों से कहूंगा जो जबरदस्ती बेटियों के लिए, बहुओं के लिए गर्भघात करने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे कलंकी सास ससुरों के लिए भी कहूंगा कि ये कलंक कभी भी ना लगाएं और तीर्थंकर की परंपरा को कभी भी हानि ना पहुंचाएं। और आज ये लोग भी संकल्प लें कि हमारे घर में बहू के लिए चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे दो हो जाएं चाहे चार हो जाएं, लेकिन हमें कभी किसी भी गर्भ का घात नहीं कराना। ये संकल्प हर सास और हर ससुरे का होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? ससुरा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?
वह ज्यादातर मैं सुनता हूं बहुएं कहती हैं मेरे ससुरा ने मेरी सास ने जबरदस्ती मेरे साथ की, तब मेरे साथ ऐसा हुआ, महाराज मुझे पाप करना पड़ा और इस पाप का प्रायश्चित दीजिए। तो मैं आज सबसे कह रहा हूं, सुन रहे हो कि नहीं, ससुरों भी सुनो, पिताओं भी सुनो, पतियों भी सुनो और माताएं भी सुने, सबके लिए ये भाव आना चाहिए कि गर्भ में आया हुआ पंचेंद्री जीव कभी भी घात को प्राप्त नहीं होना चाहिए। और इस तरह का संकल्प स्त्री समाज भी ले और पुरुष समाज भी ले, हाथ उठा करके ये संकल्प हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। आगामी दिनों में भी नहीं करेंगे और इस तरह का अभी वर्तमान में भी नहीं करेंगे, और अगर कभी कुछ हो गया है तो उसका प्रायश्चित लेकर के पश्चाताप करेंगे, ऐसा भाव आप लोगों के अंदर आना चाहिए। और उस सब चीज का एक प्रायश्चित मैं आज बताए देता हूं, सुन रहे हो, सामूहिक प्रायश्चित बता सकता हूं। अलग अलग महिलाएं मेरे पास आकर के पूछती हैं कि मेरे लिए अगर कभी इस तरह से गर्भघात हुआ है तो हम उसके लिए क्या पश्चाताप करें। आज शांतिनाथ भगवान के आप जन्म कल्याणक को देखने जा रहे हैं, गर्भ कल्याणक की पूर्व भूमिका भी सुन रहे हैं। आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, अगर आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो यह जो आपके सामने शांतिनाथ भगवान की स्तुति रूप में विधान है, एक छोटी सी कृति में, इसमें 120 छंद हैं। इन 120 छंदों के माध्यम से 120 व्रत करने की कोशिश करना, शक्ति हो तो उपवास से करना, नहीं शक्ति हो तो एकासन से करना, कोई जरूरी नहीं है कि वह लगातार किए जाएं। जब आपकी सहूलियत बने, जब आपको सुविधा बने, अपने जीवन में 120 ये व्रत करना। और इसी के साथ में यही शांतिनाथ भगवान के हिंदी में लिखे हुए अर्घों के साथ में भगवान के नीचे जो मंत्र लिखे हैं ये पूजन करना, ये सबसे बड़ा शांति कर्म होगा और इसी कर्म के माध्यम से आपके पापों की शांति होगी, यही आपके लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित होगा। अलग अलग पूछने की जरूरत नहीं है, आप इस कार्य को शुरू कर देना। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।